कप्तानगंज विधानसभा में पहलवान यादव का बयान, बीजेपी होगी 300 के पार। बस्ती जिले के विधानसभा 308 कप्तानगंज की है। राम प्रसाद यादव उर्फ पहलवान यादव द्वारा अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में 3 लाख ले लेकर नौकरियां दिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन नौकरी एक भी नहीं मिली। आज हमारी योगी सरकार के कप्तानगंज विधायक सीए चंद्रप्रकाश शुक्ला के ऊपर ना तो भ्रष्टाचार का आरोप है, केवल क्षेत्र में विकास किए हैं, किराए के मकान में रहकर जनता के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, कोरोना काल में जनता के चूल्हे की आग बुझने नहीं दी। और उन्होंने कहा, जनता जनार्दन हमारी परिवार के सदस्य हैं, पिछले बार की तरह इस बार भी बीजेपी बस्ती जिले में परचम लाके रहेगी। हम यादव समाज से और अपील कर रहे हैं, अभी तक हम 50% यादव को बीजेपी के खेमे में जोड़ने से समाजवादी पार्टी में बेचैनी हो गई है और अखिलेश के कारनामों से जनता दुखी है, इसलिए हम लोग बीजेपी का दामन थाम कर बीजेपी का विकास का पहिया आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम से विधायक प्रतिनिधि सुनील पांडे द्वारा 22 साल रह चुके विधायक कप्तानगंज को बेगाना बना दिया। 5 साल के विकास कार्य देखकर विपक्ष घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। वर्तमान में इसी तरह विधायक श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला के जन समर्थन को देखते हुए विपक्ष की सारी पार्टियां घबराई हुई हैं। वहीं यादव समाज हमारे यहां लामबंद होकर चल रहा है। सर्व समाज का विकास हो रहा है, सर्व समाज के लोग बीजेपी में जोड़कर कप्तानगंज को विकास में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में कप्तानगंज एकादश विधानसभा बनाने का संकल्प विधायक जी ले रहे हैं। इसमें जनता का सहयोग एवं भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में योगी सरकार के विधायक कप्तानगंज को विकास कराने का संकल्प लिया है। आज नगर पंचायत कप्तानगंज में जनता नगर पंचायत पाने की खुशी में भारी जन समर्थन मिल रहा है। और हम क्या कहना चाहते हैं, आने वाले 10 मार्च को बस्ती की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराएगा। हर वर्ग महिलाएं सुरक्षा से काफी खुश नजर आ रही हैं। राम प्रसाद यादव बीजेपी कार्यकर्ता, सुनील पांडे विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज, बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे बीच जो खड़े हुए हैं भाजपा के भैया, बढ़ते कारवां से लोग परेशान हैं, और आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा चुनावी मुद्दा, हमारी पार्टी का चुनावी मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश बनाना। हमारे शीर्ष नेतृत्व का मुद्दा है, हमारी पार्टी का मुद्दा है 7 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, एकात्मानववाद, तीनों पे हमारी सरकार काम कर रही है। और राष्ट्रवाद के नाम पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, धर्मनिरपेक्षवाद के नाम पर सरकार काम कर रही है, एकात्मानववाद के नाम पर हमारी सरकार काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति का उदय हो रहा है। और आज विपक्ष के बाद जो विपक्ष 2014 के पहले सिकंदर बनता था, वो आज का चुकंदर है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जातवाद का मुद्दा घोर करके और राजनीति करने का प्रयास करते हैं। वो राजनीतिक बेरोजगार लोग हैं। भारत सरकार आज हमारी काम कर रही है, जनता हमारे साथ है, और यही बौखलाहट विपक्ष के पास। 22 साल बनाम 5 साल क्या विकास हुआ? आप 22 साल बनाम 50 साल, तो 5 साल आप देख लीजिए, गांव, गली, गरीब, मजदूर सब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, चाहे वो पिपरौल घाट का मामला रहा हो, चाहे वो 930 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत पावर प्लांट का मामला रहा हो, चाहे 16 नगर पंचायत कप्तानगंज में नगर पंचायत का मामला रहा हो, चाहे 16 शुद्ध पेयजल हेत 16 पानी की टंकी का मामला रहा हो, चाहे गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों का माननीय विधायक जी आदरणीय सीए चंद्रप्रकाश शुक्ल जी ने एक एक मरीज को छाट करके गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों का मदद करने का काम रहा हो। आज विपक्ष हमारा कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लोग बीमार हो गए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनकी सरकार में मर्ज और मरीज दोनों ख़त्म हो जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मरीज बच जाते हैं, मर्ज खत्म हो रही है, गरीबी भग रही है, गरीब बच रहे हैं। विपक्ष कहता है कि गरीबी और गरीब दोनों भगाओ,
और मोदी जी को भगाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, योगी जी की सरकार, माननीय विधायक जी, सांसद जी की सरकार ये कहती है कि गरीबी को हटाइए, गरीब को बचाइए। बाबा क्या नाम है? राम प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले? लहलवारा। अच्छा, पहलवान नाव है। आप आज इस चुनावी समर में चल रहे हैं, हाँ, और आपके समाज की दूसरे पार्टी है, हाँ, तो क्या आप इतने अपने समाज को कितने लोगों को जोड़ा है? आधे से ज्यादा, 50% से। हाँ, आज आई 3 तारीख के बाद, ऐसा क्या 11 तारीख का हमारा मालूम हुई। ऐसा क्यों? आपके मुखिया कह रहे यादव हमारे साथ है, वह सब खाली नौकरी के नाम पर 3-3 लाख रुपया लेकर गरीबन के खेत बाड़ी बेचाई दी। वही सपा सरकार में जिला अध्यक्ष के 5 साल मिस्त्री लेबर नहीं उतरी। आज सी एस शुक्ला के अपना रहक जगह नहीं, मैं 5 साल विधायक रही, आन के क्वार्टर में हैं। इससे पूर्व 22 साल विधायक रहे, वो आपके मतलब यादव समाज को लेकर चल रहे हैं, समाजवादी जुड़े हैं, हाँ, और उनका साथ छोड़ करके आप क्या, आपको लाभ दिखा, आपको सरकार की क्या योजनाएं लगी? योजना नहीं, सरकार कहियो नहीं आ रहा भैया जी। जी, सरकार और विधायक के नीत पर पूरा है। विधायक ने आपके क्षेत्र में विकास किया है, विकास किया, इसलिए आप लोग रहना चाहिए।